छोटे बीच से विशाल पेड़। हाय दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे विशाल पेड़ बन जाता है? ये प्रक्रिया जितनी साधारण दिखती है उतनी ही जटिल और रोचक भी है। ये सोचने वाली बात है ना कि इतने छोटे से बीज में इतनी ताकत कैसे होती है। बीज के अंदर एक पूरी दुनिया छुपी होती है जो सही परिस्थितियों में बाहर आती है। एक नन्हा सा बीज मिट्टी में दबा हुआ धूप और पानी पाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। यह बीज पहले अपनी जड़ों को फैलाता है ताकि वह मिट्टी से पोषक तत्व और पानी ले सके। यह प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। धीरे धीरे यह बीज एक पौधे में बदल जाता है और फिर एक दिन यह पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है। आइए इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ में बदलता है। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जैसे अंकुरण, विकास और फिर पेड़ का परिपक्व होना। अंकुरण के दौरान बीज अपनी जड़ों को फैलाता है और मिट्टी से पोषक तत्व और पानी लेता है। यह जड़ें बीज को स्थिरता और पोषण प्रदान करती हैं। इसके बाद पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है और उसकी शाखाएं और पत्तियां विकसित होती हैं। यह पत्तियां सूर्य की रोशनी को अवशोषित करती हैं और पौधे को ऊर्जा प्रदान करती हैं। समय के साथ पौधा और भी बड़ा होता जाता है और उसमें फूल और फल भी लगते हैं। यह फूल और फल न केवल पौधे की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी भोजन का स्रोत बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मौसम का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर मौसम में पेड़ का विकास और रूप बदलता है, जो प्रकृति की एक और खूबसूरत झलक है। अंत में यह विशाल पेड़ न केवल हमें छाया और ऑक्सीजन प्रदान करता है बल्कि कई जीवों के लिए आश्रय भी बनता है। ये पेड़ हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे प्रयास और सही परिस्थितियां मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठें, तो याद रखें कि यह विशाल पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज था। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े सपने साकार कर सकते हैं। बीज के अंदर का जादू। हर बीज एक छोटे से संसार की तरह होता है। इसके अंदर एक छोटा सा पौधा छुपा होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। इसके साथ ही बीज के अंदर भोजन भी जमा होता है जो नन्हे पौधे को बढ़ने में मदद करता है। बीज के ऊपर एक कठोर आवरण होता है जिसे सीड कोट कहते हैं। यह आवरण एम्ब्रियो की रक्षा करता है। अंकुरण के लिए क्या चाहिए? बीज के अंकुरण की प्रक्रिया एक जादुई और अद्भुत घटना है जो प्रकृति के चमत्कारों में से एक है। अब सवाल यह है कि बीज कब अंकुरित होता है? बीज के अंकुरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं जिनके बिना यह प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। इसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, जैसे पानी जो बीज को नरम बनाता है और भोजन को घोलने में मदद करता है। पानी बीज के अंदरूनी हिस्सों को सक्रिय करता है और उन्हें जीवन देने के लिए तैयार करता है। हवा जो नन्हे पौधे को सांस लेने के लिए जरूरी होती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन बीज के अंदरूनी हिस्सों को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे वे बढ़ने और विकसित होने में सक्षम होते हैं। गर्मी जो बीज को अंकुरित होने के लिए सही तापमान देती है। सही तापमान बीज के अंदरूनी रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करता है जिससे अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। उपजाऊ मिट्टी बीज को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जब सभी जरूरी चीजें मौजूद होती हैं तो बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जब सही परिस्थितियां मिलती हैं तो बीज से एक नन्हा पौधा निकलता है। अंकुरण की इस प्रक्रिया को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी अद्भुतता को समझने में मदद करता है। जब हम बीज को अंकुरित होते देखते हैं तो हमें जीवन की नाजुकता और उसकी ताकत का एहसास होता है। सबसे पहले बीज से जड़ निकलती है। यह जड़ पौधे की नींव होती है जो उसे पोषण और पानी प्रदान करती है, जो मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ती है और पौधे को मजबूती से पकड़े रहती है। जड़ें मिट्टी से आवश्यक खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत बनता है। फिर बीज से एक छोटा सा तना निकलता है। यह तना धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है जैसे कि वह अपनी नई दुनिया को देखने के लिए उत्सुक हो, जो ऊपर की ओर बढ़ता है और धूप की तलाश में होता है। धूप पौधे के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है जो उसे बढ़ने और फलने फूलने में मदद करती है। धीरे धीरे इस तने पर छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं। ये पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं जो उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, जो सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं,
जिसमें पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे ऊर्जा में बदलती हैं। यह नन्हा पौधा बड़ा होता जाता है और एक दिन एक विशाल पेड़ बन जाता है। यह पेड़ न केवल हमें छाया और फल देता है, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ और हरा भरा बनाता है। पौधे की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम ला सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। एक छोटे से बीज में इतनी ताकत होती है कि वह एक विशाल पेड़ में बदल सकता है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें बस अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति का यह अद्भुत करिश्मा हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अद्भुत करें। आइए हम सभी मिलकर प्रकृति का ध्यान रखें और इस पृथ्वी को और भी खूबसूरत बनाएं, क्योंकि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और हमें इसका पूरा आनंद लेना चाहिए।